नमस्कार दोस्तों, राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 10वीं और 12वीं आरबीसी रिजल्ट इंतजार अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उससे संबंधित ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है और वो न्यूज़ आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं न्यू एग्ज़ाम पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको राजस्थान बोर्ड की हर अपडेट, आरबीसी की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, आपको पहले मैं न्यूज़ दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, एनडी टीवी इंडिया की ये न्यूज़ है, एनडी टीवी इंडिया की ये न्यूज़ है। और इसमें बताया गया है कि आरबीसी 10वीं 12वीं रिजल्ट, राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द जानिए पूरी डिटेल। कब की खबर है ये आप यहाँ पर देख लीजिए, अपडेट है 10 मई को 4:37 की ये अपडेट आई है। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट, आरबीसी 10वीं 12वीं रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स, अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट कौन सी है वो भी आप देख लीजिए, rajresults.nic.in, या तो इस पर देख सकते हैं rajresults.nic.in पर, या फिर rajeduboard.rajasthan.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये दो वेबसाइटें हैं जिन पर आप अपना रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं पूरा खबर को, क्या अलग अलग खबर आई है 10वीं और 12वीं की, तो पूरा देखिए। राजस्थान बोर्ड यानी आरबीएससी इस महीने ही 12वीं का रिजल्ट जारी कर देगा, राजस्थान बोर्ड के एक अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया। और राजस्थान बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट एक सप्ताह बाद जारी कर दिया जाएगा, एक सप्ताह बाद जारी कर दिया जाएगा। वहीं 10वीं के रिजल्ट 20 दिन का समय लग सकता है। और राजस्थान 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और पर जारी कर दिया जाएगा, और स्टूडेंट्स इन वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अपना रोल नंबर सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। और कक्षा 5 का रिजल्ट भी जारी कर चुका है, और 10वीं की परीक्षाएं 14 मार्च से 27 मार्च हुआ तो आपने दी थी। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, 10वीं में 11.2 लाख स्टूडेंट बैठे थे, वहीं 12वीं में 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी स्टूडेंट्स ने परीक्षा में भाग लिया था इस प्रकार। और वेबसाइट मैंने आपको बता दी, ऊपर आपको वेबसाइट बता दी जिसके माध्यम से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बाकी आपका ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स से आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और ये स्टेप्स है कि rajasthanresults.nic.in पर आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। और इस वेबसाइट पर आपको 10वीं के रिजल्ट के लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, और उसके बाद अपने रोल नंबर सबमिट करने होंगे, और उसके बाद आपका रिजल्ट आप अपने आप चेक कर सकते हैं। और इस प्रकार दोस्तों, जैसे रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले सूचना आपको न्यू एग्जाम पर मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।